नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 90/2024 के लिए इस कार का प्रोफेशनल पोस्टर बनाना सिखाएंगे। जैसे कि अभी आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर ये पोस्टर दिख रहा होगा, आप अपने मोबाइल से इस कार का पोस्टर बनाकर अपना फोटो लगा सकते हैं। फोटो के नीचे देखिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम प्रकाशन लिख सकते हैं। तो अगर आप भी इस कार का पोस्टर अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगमन से अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कर लें। तो देखिए, आपको पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले इस पिक्सेल ऐप की आवश्यकता होगी, जो आपके यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको मालूम है पिक्सेल ऐप पहले से नहीं है तो आप इसे प्रोसेस सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसको पहले डाउन करके इसे ओपन करते हैं। देखिए, जैसे ही आप अपने मोबाइल में पिक्सेल ऐप ओपन करोगे आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको न्यू टेक्स्ट को हटाना है। इसे हटाने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर सिंपली डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर रुके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, न्यू टेक्स्ट यहाँ से हट चुका है। अब देखिए, नीचे यहाँ पर इस बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और आपको फोन की गैलरी से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए, आपको इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, इमेज यहाँ पर आ चुकी है। चलिए अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो लगाना और नाम लिखना बताएंगे। तो देखिए, आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को 20 सेकंड करना है और अपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद गूगल में आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिख कर सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर KBM हेल्प लिख कर सर्च करता हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ठीक से देख लेना है, KBM हेल्प लिखना है और सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर KBM हेल्प लिख कर सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पर ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। आपको यहाँ पर पहली बारी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर ये वेबसाइट पहुँच के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस वेबसाइट में देखिए, आपको यहाँ पर सभी तरीके के पोस्टर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर जो भी पोस्टर डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, आपको उस इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सर्च बार दिख रहा होगा। अब देखिए, सर्च बार में आपको यहाँ पर 421 लिख कर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर लिखे दिखा रहा हूँ। आपको इसी प्रकार से 421 यहाँ पर लिखना है और आपको सर्च कर लेना है। देखिए, जैसे आप वहाँ पर 421 लिख कर सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पर ये वाला पोस्टर आ जाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको इसी के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे जाऊँ, इस प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद जैसे आप यहाँ पर नीचे जाओगे आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। देखिए, आपको यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा, पोस्टर का बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। लेकिन अभी देखिए, आपको यहाँ पर सेकेंडें चलती दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पर सेकेंड खत्म होंगे आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर सेकेंड खत्म होगी डाउनलोड का बटन आ चुका, आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे वो वाली इमेज आपके फ़ोन में डाउनलोड जाएगी। आप देखिए, फिर से यहीं पर आ जाइए। देखिए, जैसे मैं फिर से यहीं पर आ चुका हूँ। इसके बाद ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर लेकर डबल टैप करके न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटाने के बाद सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है और आप यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे इस ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर व्हाइट कलर सेट करके टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाना है। आगे जाने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर बी का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इस बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे बोल्ड कर देना है। देखिए, यहाँ पर अब सही से लगने लगा है। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके एडजस्ट करके रख सकते हैं और आप टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम को लिखना बताया, इस प्रकार से आप अपना नाम लिख सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। अगर सोशल मीडिया का यूजर नेम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाने के लिए इसी प्लस वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट कर लिया है और आप यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, फोटो यहाँ पर आ चुका, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर पहले से रखा है। अगर अपने फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर हटाना नहीं जानते हैं तो उस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ करके आप देख सकते हैं। अब आपको फोटो को छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। देखिए, इस तरह से जब आपका पूरा पोस्टर बन जाए तब आपको उसे सेव करने के ऊपर आपको यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सिंपली सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका पोस्टर आपके फोन की गैलरी में सेव हो जाएगा।